हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल रॉयल डेस्टिनी में। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुपर पावर अमेरिका के बारे में। अगर आप अमेरिका में जाते हैं तो किस किस जगह पे जाएंगे, अगर आप अमेरिका में जाने की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों, हमारे लिस्ट की पहली नंबर पर आता है येलोस्टोन नेशनल पार्क। तो दोस्तों, ये दुनिया का पहला पार्क है जिस पार्क में ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, अगर आप देखते हैं तो दोस्तों आपको येलोस्टोन नेशनल पार्क में जरूर जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये पार्क ही ज्वालामुखी के लिए फेमस है। तो दोस्तों, अगर आप ज्वालामुखी देखना चाहते हैं तो इस पार्क पर जरूर जाएं। अभी हमारे लिस्ट की दूसरे स्थान पर आता है दोस्तों ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क। ये अमेरिका की एरिजोना में उपस्थित नेशनल पार्क है। तो दोस्तों, अगर आप हरे भरे पहाड़ देखना चाहते हैं तो दोस्तों 80 मिलियन एकड़ में फैले ये नेशनल पार्क आपको बहुत मनमोहित कर देगा। तो दोस्तों, अगर आप अमेरिका में आते हैं तो इस पहाड़ को जरूर देखें। ये दोस्तों बहुत ही सुंदर पहाड़, अगर आप आएंगे तो आपकी मन पूरा पूरा और घूमने का मन करेगा। तो दोस्तों, अगर आप अमेरिका में आते हैं तो दोस्तों इस ग्रैंड कैनियन पार्क में जरूर जाएं। तो दोस्तों, हमारे लिस्ट की तीसरी नंबर पर आता है वर्ल्ड डिज्नी रिजॉर्ट। दोस्तों, ये सबसे सुंदर रिसोर्टों में से एक है। अगर आप सपने की दुनिया में जाना चाहते हैं तो दोस्तों मैं कहूँगा डिज्नी वर्ल्ड में आइए। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत 1971 में शुरू किया गया था। इसका फाउंडर वर्ल्ड डिज्नी ने किया था। तो दोस्तों, अगर आप अमेरिका में आते हैं तो इस रिजॉर्ट को एक बार ही जरूर देखें। तो दोस्तों, हमारे लिस्ट की चौथी नंबर पर आता है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जिसका लंबाई 191 फीट है। इसको बनाया गया था 1886 में। आप जानकर हैरान होंगे दोस्तों, इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी को देखने के लिए देश और विदेशों से 4.5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इसको देखने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अमेरिका में जाते हैं तो इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी को जरूर देखें। तो दोस्तों, हमारे लिस्ट के पांचवें नंबर पर आता है अमेरिका की शिकागो शहर में उपस्थित नेवी बेस, जिसका लंबाई सर्लिन लेक से 3,300 फुट लंबी है। इसको बनाया गया था 1916 में। इसका कुल एरिया 50 एकड़ है। आज तक इस नेवी पैर में 2 मिलियन से भी ज़्यादा लोग घूमने के लिए आते हैं। वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा विजिटर में से ये दूसरे स्थान पर है। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।